हेलो सलाम नमस्ते कैम चो स्वागत है आपका आज के वीडियो में इस वक्त मैं हूँ महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव ठाकुरवाड़ी में मैं यहाँ पर आया हूँ कालावंतीन दुर्ग का ट्रैक करने के लिए जो कि काफ़ी मशहूर है और काफ़ी डेंजर है ऐसा बताते हैं तो ये पार्किंग है ठाकुरवाड़ी विलेज का यहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है लगभग तीन किलोमीटर चलना है और उसके बाद में कालावंतीन दुर्ग की चढ़ाई स्टार्ट होती है तो कालावंतीन आने के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ता है मुंबई मेन जो पास का बड़ा स्टेशन है बड़ा सिटी है वो है मुंबई मुंबई से ये जगह 50 किलोमीटर दूर है और उसके बाद में मुंबई से हमको आना पड़ेगा पनवेल और पनवेल से ये जगह 15 किलोमीटर दूर है मेन रोड से जब हम सात आठ किलोमीटर अंदर आते हैं यहाँ इस जगह के लिए तो रास्ता काफ़ी ख़राब है लगभग सात से आठ किलोमीटर का रास्ता तय करने में चालीस से पैंतालीस मिनट लग जाता है सिंगल रोड है और ख़राब रोड है तो बैकपैक मेरे पीछे है इसमें पानी की बॉटल है कुछ मेरे कैमरा गियर्स है उसके अलावा रेनकोट वगैरह है क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है तो सारी तैयारी की हुई है मैंने और अभी यहाँ से चलते हैं आगे वैसे आज यहाँ पब्लिक कम है दो बस खड़ी है टूरिस्ट की तो कुछ टूरिस्ट गए हैं आगे लेकिन थोड़ी पब्लिक कम है यहाँ पर यह पूरी पार्किंग भरी रहती है सैटरडे संडे के टाइम पर तो वीकेंड में काफ़ी लोग आते हैं मुंबई से क्योंकि मुंबई के बिल्कुल पास में है पचास किलोमीटर दूर है यहाँ से काफ़ी सुना है इस किले के बारे में काला दुर्ग के बारे में कहते हैं कि बहुत डेंजर है ये और दुनिया का सबसे जो डेंजर किला है उसमें से एक है ये तो आज पता करते हैं क्या है यहाँ नो ड्रिंक नो स्मोक नो स्पीकर तो यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है गांव वालों ने यहाँ से आगे एक छोटा सा गांव और है वहाँ पहुँचने में लगभग हमें ढाई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा दो से ढाई किलोमीटर का और उसके बाद में हम कालावंती दूर के लिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे बोर्ड लगाए हुए हैं एरो बनाए हुए हैं, रास्ता दिखाया हुआ है बिल्कुल शांत जगह है देखो आप एकदम शांत पूरा सुनसान है देखो आप पीछे भी कोई नहीं है और आगे भी कोई नहीं है पक्षियों की आवाज आ रही है और साथ में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है भी मुझे पहली बार कोई दिखा लगभग 20 मिनट 25 मिनट बाद आप लोग ऊपर गांव में रहते हो तो आप लोग रोज नीचे ऊपर चल के जाते हो अच्छा हाँ. तो 20 25 मिनट बाद यहां पर एक पहला पॉइंट आया है देखने में पॉइंट जैसा है लेकिन फिलहाल यहां पर भी कोई नहीं है ये यह यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है देखो आप चाय मैगी नाश्ता आपको मिल जाएगा रेट लिखा हुआ है और फोन नंबर भी लिखा है अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये यह देखो लिखा हुआ है प्रबलगढ़ और कालावन दुर्ग तो इस तरफ में बढ़ना है हमें आगे तो वहाँ से नीचे से आया हूँ देखो आप चढ़ाई कैसी है ये एकदम चढ़ाई है ये और इस तरफ अभी आगे बढ़ना है और यहाँ पर भी एक स्टॉल दिख रहा है तो थोड़ी थोड़ी देर में लगभग हर पाँच दस मिनट में एक आध स्टॉल मिल जाता है आपको तो अभी फ़िलहाल ये बंद है लेकिन सैटरडे संडे चालू रहते हैं सारे तो गर्मी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से जल्दी थक जाते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करते हैं पाँच मिनट और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पीछे पाँच मिनट बैठा था थोड़ा रिलैक्स हो गया पसीना साफ़ किया पूरा तरबदर हो गया हूँ पसीने से ह्यूमिडिटी की वजह से मकड़ी के जाले जब चलते हैं तो बीच बीच में मकड़ी के जाले आते रहते हैं क्योंकि पूरा फॉरेस्ट है ये तो दिखता नहीं है एकदम बारिक सा जाला होता है लेकिन आपको अगर पीस पसंद है तो ये जगह आपके लिए दी बेस्ट है एकदम शांत जगह है ये तो यहाँ पर फिर से एक स्टॉप आया है यहाँ पर भी थोड़ी देर बैठेंगे थक गया हूँ काफ़ी वहाँ नीचे से आया हूँ मैं और ये पूरे ऊँचे ऊँचे पहाड़ है यहाँ पर बैठा जाए एकदम सकड़ा सा रास्ता है केवल एक आदमी चल सकता है वैसे मेरे दो साथीदार मेरे साथ में आ रहे हैं देखो पीछे पीछे लगता है गांव के कुत्ते हैं ये तो इनका ही सहारा है अभी रुक जाओ रुक जाओ तुम्हारा तो रोज का है ठीक है हाँ शबाश शेरू अभी मेरे पास कुछ नहीं है ऊपर चल तेरे को खिलाऊंगा। एक दोस्त बना लिया मैंने एक नहीं दो है दूसरा आगे चला गया है चलो शेरू। हाँ ऐसा फील आ रहा है जैसे ये डॉग मेरे घर का है मैंने पाला हुआ है मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर रहा है चल भाई तू भी चल आजा यहाँ पर फिर से एक स्टॉल है और काफ़ी बड़ी जगह है ये स्टॉल है यहाँ से ऊपर जाना है और आपको कालावंतीन दूर का ऊपर का टॉप दिखाता हूँ वो वहाँ पर तो ये है वो कालावंतिन दुर्ग का टॉप काफ़ी ऊंचा है मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये देखो यहाँ पर जाना हमें एकदम सीधा सीधा चढ़ाइए ये और इतना दूर है देखो तो दोनों डॉग काफ़ी अच्छे थे मेरा काफी अच्छा रास्ता बताया उन्होंने मुझे और अभी यहीं पर रुक गए अभी मेरे पास कुछ खाने का नहीं है नहीं तो मैं इनको जरूर देता और मेरे दोस्त आ गए हैं चलो रास्ता बताओ तो यहाँ पर एक स्टॉल मिला है मुझे जो कि फाइनली खुला है नींबू पानी है आ, अच्छा नींबू पानी और कोकम शरबत हाँ। थोड़ा सा ककड़ी काट दो और उसके बाद नींबू पानी बना दो हाँ। ठीक है और एक काम करो सबसे पहले इनको दो मेरे दोस्त को हाँ। खाने को ये मेरा कब से साथ निभा रहे नीचे से ऊपर तक बिस्किट वगैरह कुछ है इनके लिए हाँ। लाओ आ भाई आ जाओ मैंने बोला था तुमको दूंगा मैं चिंता क्यों करते हो पहले एक एक तुम खा के देखो कैसे खाते हो अरे वाह धीरे 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 अरे धीरे धीरे हे लड़ो मत ले तो कुछ ककड़ी कटवाई है थोड़ा इससे पानी की कमी पूरी हो जाएगी काफी पसीना बह गया है बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है इतनी ह्यूमिडिटी है पूछो मत आप मेरी हालत देखो पसीने से तर रूम मैं पूरा टी शर्ट भिगा पैंट भीगी है सब भिग गया है ऐसा लगता है बारिश आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है वैसे भी भीग तो गए हैं तो बारिश आएगी तो कम से कम थोड़ा ठंडक तो होगी फ्रेश तो हो जाएंगे नींबू पानी नींबू पानी है सबसे बेस्ट तो नींबू पानी पी लिया एकदम फ्रेश हो गया अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है एनर्जी आ गई है अभी ऊपर की तरफ चलते हैं लेकिन अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए मुझे गाइड मिल गए हैं ये स्टॉल वाले इनका नाम है सेलेस और ये बोलते हैं मैं गाइड हूँ यहाँ पर गाइडेंस करता हूँ तो मैंने इनको हायर किया है और यहाँ से अभी आगे का रास्ता मुझे ये दिखाएंगे ऊपर तक का इनका जो चार्ज है वो सात सौ रुपये है गाइडेंस का तो यहाँ पर एक मंदिर है गणपति जी है और हनुमान जी है जय बजरंग बली यहाँ तो बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है हाँ ऊपर वाला जो गांव है बड़ी मुश्किल से आता है ये तो नीचे से मैं ऊपर की तरफ आया हूँ और यहाँ पर ये माछी बेस कैंप है ये बेस कैंप है जहाँ पर सारे ट्रैकिंग वाले आकर रुकते हैं नाइट स्टे करते हैं और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलते हैं कालावंतीन दूर के लिए वो जो सामने आपको दिख रहा है वो कालावंतीन है जो ऊँची चोटी है एकदम तो ये सैलेश का होटल है फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है तो आप नोट कर लेना अगर आपको यहाँ आना हो गाइड करना हो या कुछ खाना पीना हो तो इनसे संपर्क कर लेना तो सैलेश वहाँ गया है अपनी होटल में वहाँ से पानी की बॉटल कैरी करके आएगा और हमें यहाँ से आगे बढ़ना है फिर हो गया था। चले था। तो चलते हैं फिर ऊपर के लिए पानी की बोतल ले लिए और ये लगभग गांव आ गया माछी पूरा नाम है माछी प्रबल बड़ा सा बोर्ड है और ये क्या है ये देखो ये सलमान खान है तो सलमान खान यहाँ पर आते रहते हैं ये सारे देखो फोटो है उनके और कालावंतिन दुर्ग के बारे में कुछ डिटेल लिखा हुआ है तो हमारे साथ में गाइड है तो वो हमें बता देंगे लेकिन आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना मराठी में लिखा हुआ है बाकी यहाँ पर ये चाय कॉफ़ी वगैरह सब मिल जाता है नाश्ता मिल जाता है सब लिखा हुआ है देखो आप पर रहने की भी सुविधा है देखो आप पाँच सौ एक जने का उसमें नाश्ता चाय वगैरह आपको मिलेगा खाने का मिलेगा एक टाइम का तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर रहने की सुविधा मिल जाएगी आपको सलमान खान का जो फ़ोटो आप देख रहे हो तो ये यहाँ पर इनका पनवेल में फॉर्म हाउस है तो पनवेल से पंद्रह किलोमीटर है मैंने आपको बताया था तो वो कई बार इधर आते रहते हैं तो चलते हैं ऊपर की तरफ बारिश होने की संभावना पूरी पूरी है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है बहुत मतलब बहुत भयंकर है हेलो मिस्टर पप्पी हेलो 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 तो बारिश शुरू हो गई है अच्छा हुआ भीग जाएंगे कोई बात नहीं लेकिन गर्मी तो कम होगी बड़ा डेंजर रास्ता है भाई तो यहाँ पर एक ये स्टॉल बना हुआ है तो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर तो बारिश थोड़ा कम हो गया है तो अभी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं लगभग 10 से 15 मिनट रुके थे यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है जैसे दो रास्ते हैं लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ है देखो आप छोटा सा कालावंतीन कड़े जाने अच्छा मार्ग मतलब कालावंतीन जाने का रास्ता अभी काफ़ी लड़के लोग दिख रहे हैं मुझे ट्रैकिंग वाले नीचे जो वो दो बस खड़ी थी लगता वही है सब नीचे से होते हुए यहाँ पर आए ऊपर और यहाँ पर भी एक स्टॉल है और इस तरफ से ऊपर जाना है हमें देखो चढ़ाई है एकदम खड़ी बड़ा मुश्किल है बहुत खड़ी चढ़ाई है तो यहाँ नीचे से ऊपर आया हूँ मैं और इस तरफ में एक गुफा है देखो आप मैं आपको बताता हूँ देखो इसके अंदर भी जा सकते हैं लेकिन मुझे गाइड ने मना किया है कि अंदर नहीं जाना है क्योंकि अभी बोला बारिश का मौसम है तो अंदर सांप वगैरह होते हैं तो अंदर नहीं जाना है तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ काफ़ी गहरी गुफा है लगभग 20-25 फीट गहरी है यहाँ पर ये रोप है देखो आप ऊपर से बांधा हुआ है थोड़ा स्लिपी है इस वजह से तो मैं वहाँ नीचे से ऊपर आया हूँ देखो आप ये रोप लगी हुई है काफ़ी मुश्किल चढ़ी है वैसे और ये जो है वो प्रबलगढ़ है इस तरफ और इसके इस तरफ ये है कालावंतिन कितना ऊंचा देखो आप सीधा चढ़ना एकदम तो यहाँ से इस तरह से ऊपर चढ़ना है हमें और वो सीढ़ियाँ देखो आप डेंजर है बड़ा हाँ इसी धर तो कैमरा पकड़ने में भी सोचना पड़ेगा चलो वहाँ नीचे से ऊपर आया हूँ मैं और एकदम खड़ा है देखो ये यहाँ पर ये मेरा पैर है और यहाँ से सीधा नीचे है एकदम स्ट्रेट है ये काफ़ी ऊंचा है ये देखो ये नीचे लोग बैठे अभी धीरे धीरे चल रहे हैं तो सीढ़ी एकदम खड़ी है यहाँ की बिल्कुल देखो आप कैसी सीढ़ी है नीचे पूरी खाई है बहुत मुश्किल टफ़ है ये बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ता है थक गए ऐसे चढ़े ऐसे मेरे ख़्याल से ये 70 डिग्री या 80 डिग्री का एंगल है ऊपर चढ़ने का तो आप सोचो कितनी खड़ी चढ़ाई है अभी लगभग 70 परसेंट चढ़ गए हम 30 परसेंट बाकी है और बताते हैं कि लास्ट का जो पोर्शन है वो सबसे टफ है मेन जो वो सीढ़ी थी ना वो बड़ी डेंजर थी जहाँ से मैं अभी आया हूँ मैंने आपको बताया बहुत रिस्की था वो ऐसे आप अच्छे से अगर ध्यान से आओगे तो आ सकते हो लेकिन थोड़ा एडवेंचरस है तो ऊपर की तरफ आ गया हूँ मैं देखो आप यहाँ पर शिवाजी महाराज का झंडा है और कुछ लोग भी है गांव के यहाँ से हमें एकदम ऊपर टॉप पे जाना होगा इस तरह से जाना होगा हमें ऊपर कोई दिक्कत नहीं है तो नीचे से मैं ऊपर आया हूँ यहाँ से ये रस्सी चढ़ के आपने देखा था और अभी ये नज़ारा देखो ऊपर से और इस तरफ़ में ये शिवाजी महाराज की मूर्ति है बड़ी सी देखो आप तो ऊपर चलते हैं वहाँ पर मंदिर बना हुआ है महाराज का तो ये शिवाजी महाराज की मूर्ति है देखो आप काफ़ी बढ़िया व्यू आता है यहाँ से वैसे फॉग है तो अच्छे से दिखेगा नहीं अच्छा है अच्छा इस तरफ में गाइड ने बताया ये सलमान खान का फार्म हाउस है मैं जूम करके बताता हूँ ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सलमान खान का फार्म हाउस है पनवेल वाला तो यहाँ से सब दिखता है ऊपर से इस पहाड़ी से तो ये देखो यहाँ से पूरी नीचे खाई है और ये माछी गांव है जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी मेन वाली और जहाँ पर मैंने गाड़ी रखी है वो वहाँ पर इतना दूर ठाकुरवाड़ी ये वाला ये जगह पर तो इतना दूर से आना पड़ता है तो ये नज़ारा देखो आप ये नीचे खाई है पूरी और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है व्यू देखो आप पीछे का चारों तरफ पहाड़ है इस तरफ में इस तरफ में तो सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है ये ऊंचा सा ये प्रबलगढ़ फोर्ट है प्रबलगढ़ फोर्ट जो है वो 2500 फीट ऊपर है और ये जो कालावंतीन दुर्ग है ये 2300 फीट ऊपर है और इस तरफ में आगे माथेरान है इस जगह पर लेकिन अभी फॉग काफ़ी ज़्यादा तो दिखता नहीं है तो ये माथेरान उस तरफ में आगे बीच में खाई है और उस तरफ माथेरान है माथेरान जाने के लिए यहाँ से पनवेल होकर घूमते हुए हो जाना पड़ता है हमें और इस तरफ में बेब फोर्ट है तो ये सारी जगह काफ़ी अच्छी दिखती है यहाँ से लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से काफ़ी धुंधला दिख रहा है सामने वहाँ से उस तरफ से चल के भी जा सकते हैं माथेरन लेकिन काफ़ी लंबा है वो ट्रैकिंग वाले जाते हैं वहाँ पर तो नॉर्मल पब्लिक बाय रोड पचास किलोमीटर घूम कर यहाँ पर आती है काला प्रबलगढ़ के लिए लेकिन ट्रैकिंग वाले चल के भी जाते हैं जंगल के अंदर से जो ट्रैकर्स होते हैं जो प्रोफेशनल ट्रैकिंग करते हैं वो जाते हैं यहाँ से बाकी ये यहाँ का नज़ारा है तो ये था कालावंतिन दुर्ग मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी जगह है आप अगर मुंबई या पूना साइड जा रहे हो तो यहाँ पर विजिट कर सकते हो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और काफ़ी सुंदर जगह है कालावंतिन दुर्ग नाम से ऐसा लगता है जैसे ये किला है लेकिन ये किला नहीं है ये आस के जो किले हैं उसके लिए एक वॉच टावर बनाया हुआ है एक पिनेकल है तो पहले शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे जो सूबेदार थे वो यहाँ से वॉच करते थे आस का जो एरिया वो सब देखते थे कि कोई दुश्मन कहीं से चढ़ाई ना करे क्योंकि आस में तीन चार फोर्ट है जैसे ये बिल्कुल पास में प्रबलगढ़ फोर्ट है इसके अलावा आगे इस तरफ में पेप फोर्ट है जो मैंने आपको बताया लेकिन अभी दिखता नहीं यहाँ से धुंधला है तो ये सारे फोर्ट यहां से दिखते हैं कालावंत दुर्ग के टॉप से और ये एक वॉच टॉवर एक पिनेकल है सीधा एकदम ऊंचा खड़ा चट्टान है उसको कालावंत दुर्ग नाम दिया गया है कालावंत दुर्ग का नाम पहले कुछ दूसरा था लेकिन शिवाजी महाराज ने कलावती रानी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा था तो ये इस कालावंत दुर्ग की कहानी थी स्टोरी थी बाकी मैंने लोकेशन आपको बता दी आपको कैसे आना है यहाँ पर और काफी अच्छी जगह है आप ट्रैकिंग करके आ सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय सी यू टेक केयर अपना और अपनों का खास ध्यान रखना वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया तुम्हारा खूब खूब आभार आज